सो हे गाइस, तो आरआरबी पीओ की सारी शिफ्ट्स खत्म हो चुकी हैं, और जितनी भी शिफ्ट खत्म हो गई हैं आप लोगों को पता चल रहा होगा, मैथ सेक्शन डूएबल नहीं था बहुत लोगों के लिए। कुछ पजल्स ऐसी थी जो ट्रिकी थी, ब्लड रिलेशन थोड़े से टफर साइड में देखने को मिले थे, खास करके कुछ केसलेट डीआईज आ गई थी किसी में, और मैक्सिमम लगभग सारी शिफ्ट्स में रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिली, एक दो में मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिली, और वो भी टफर सेक्शन में थी। तो वो दोस्तों, आरआरबी पीओ का मैं ओवरऑल रिव्यू बताऊं अगर मैं 8 की 8 शिफ्ट का, तो मैं एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकता क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, लेकिन दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, जिस भी स्टेट से आपने भरा है, तो मान लीजिए जैसे मैंने उत्तराखंड से भरा है तो 62.5 कट ऑफ गई थी, या अगर किसी ने यूपी से भरा था जिसके 62.75 कट ऑफ गई थी, तो अगर इतनी कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी तो दोस्तों इससे वो डेफिनेटली कट ऑफ कम ही होने वाली है। रीज़न बीइंग कि पिछले बार के आप बच्चों के अटेम्प्ट देख लीजिए, पिछली बार का एग्जाम लेवल देख लीजिए आप मेमोरी बेस्ड का, वो सभी उन सभी शिफ्ट का लेवल जो था वो काफ़ी ईजी था एज कम्पेयर टू दिस वन। तो दोस्तों इस बार पेपर का लेवल टफ है, तो डेफिनेटली आपके स्टेट से कट ऑफ जो पिछली बार गई थी उससे कम ही जाएगी। वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा रोल होगा नहीं, और यूजुअली आपने यही देखा होगा कि वैकेंसीज जो हैं वो स्टेट वाइज बड़ी ही हैं, मतलब लगभग हर स्टेट में लास्ट ईयर की कंपैरिजन कुछ वैकेंसीज ज़्यादा ही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।